इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र, क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। पापा, आज थर्सडे आइसक्रीम डे। अरे हाँ, मैं अभी जाके फ्रिज से लेकर आता हूँ। वो तो लास्ट टाइम ही खत्म हो गई थी, इस बार कुल्फी ले प्लीज। ओके, वैसे मेरा भी मन कर रहा था कुल्फी खाने का। क्या चल रहा है बाप बेटी में? मामा, हम कुल्फी लेने जाएं। हाँ ठीक है, ले जाओ। यस, चलो। अच्छा, तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, तुम रुक जाओ। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए हम लेकर आएंगे। बाय। हाँ? हेलो कविता शुक्ला, घर पर ही हो ना? आ रहे हैं हम लोग आपसे मुलाकात करने। साहब वापस आ गए क्या? अभी तो 5 मिनट पहले चले गए। मैं जरा मैं पता बता दीजिए। अरे कब से ढूंढ रहे हैं, प्लीज मदद कर दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। ये तो आप आगे से राइट लोगे ना तो बढ़िया वाली जो है ना वो स्ट्रॉबेरी लगती है मुझे। हाँ। से अच्छी तो कोई है ही नहीं। चॉकलेट भी अच्छी लगती है। मम्मा ने जो मिस किया है ना, आज मम्मा को पता लगेगा। The number you're trying to reach is switched off. कहाँ गई है? अब बेटा कोई जरूरी काम से गई होगी ना, आ जाएगी जल्द। अब आप जाकर सो जाओ,
जल्दी सो गए तभी तो सुबह मामा को गुड मॉर्निंग बोलोगे ना सबसे पहले। जाओ सो जाओ। जीवन की बुनियाद रिश्ते होते हैं और रिश्तों की बुनियाद विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो अच्छे से अच्छे रिश्ते भी बिखर कर चकनाचूर हो जाते हैं। और अगर किसी के मन में धोखा देने की भावना या फिर शक घर कर जाए तो स्वर्ग नरक बन जाता है। शक और धोखा ऐसे दो जहरीले पौधे हैं जो इंसान के बाहर और अंदर आग लगा देते हैं। और अगर किसी रिश्ते में धोखे या शक ने अपने पाँव जमा लिए तो समझ लीजिएगा कि उस रिश्ते में बहुत भयानक अपराध जरूर होने वाला है। अगर मीटिंग के लिए लेट नहीं होता तो मैं खुद छोड़ देता तुम लोगों को। आज मैनेज कर लो प्लीज। हाँ बेटा पापा कल छोड़ेंगे। हाँ जल्दी चलो चलो आराम से जाना। हाँ बाय। क्या हुआ भाई साहब? वो अभी अभी ऑटो में बैठ के जो औरत गई है आपकी पत्नी है? हाँ। तुमसे मतलब? उनके साथ जो एक छोटी बच्ची है वो आप दोनों की बेटी है। अरे हमारी बेटी है, लेकिन ये सवाल क्यों पूछे? कौन हो तुम? एक आखिरी सवाल, जिस फ्लैट में आप रहते हैं वो आप ही का है? अरे हमारा ही फ्लैट है, लेकिन तुम हो कौन? ये अंदर आए कैसे? सिक्योरिटी सिक्योरिटी। हाँ साहब। ये आदमी आया कैसे अंदर? धक्के मार के निकालो उसको बाहर। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। कैसे कैसे लोग आ जाते? कौन है ये? मिस्टर किसका फोन है? पता नहीं, ऑफिस होगा शायद। हेलो कविता शुक्ला। कविता शुक्ला? क्या ये कविता शुक्ला का नंबर है? कौन बोल रहा है? नहीं ये कविता शुक्ला का नंबर नहीं है, उसके पति सत्यम शुक्ला का नंबर है। बताओ क्या बात करनी है? किसका फोन था? पता नहीं कोई अननोन नंबर था। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था मुझसे, मैंने अपना नाम बताया तो फोन काट दिया। खैर तुम परेशान मत हो, अगर जरूरत होगी तो दोबारा करेगा ना फोन। चलो सो जाते हैं, देर हो गई काफी। सर मैं गार्ड बोल रहा हूँ, कुछ लोगों ने ना मैडम को घेर के रखा है, अब जल्दी आ जाइए। क्या? मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैडम, बैंक से लोन ले लिया और रफू चक्कर हो जाए? हम लोग देखते रह जाएंगे, कितने फोन किए ईएमआई के लिए, ईएमआई क्यों नहीं चुका रहे हो आप लोग? ए क्या हो रहा है? हटो, आ देंगे हम लोग। हटो हटो दूर हटो। कब तक? ए तुम तो वही हो ना जो दिन मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत आज मेरे घर तक पहुंच गए तुम? निकलो। धक्का किसे दे रहे हो? नहीं हटेंगे हम लोग, अलग अलग बैंक से आए हुए रिकवरी एजेंट हैं। तुम्हारी बीवी ने हमारे बैंक से लोन लिया है, अब चुपता नहीं कर पा रही है। क्या लोन? नहीं नहीं सत्य, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मुझे नहीं पता ये लोग क्या कह रहे हैं। तुमने सुना ना? अरे कोई लोन नहीं लिया हमने, हटो यहां से। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? एक मिनट अभी पुलिस को बुलाता हूं, दिमाग खिलाने आ जाएगा तुम्हारा। लगा फोन पुलिस को, पता चल जाएगा असली चोर कौन है।
ए, बदतमीजी से बात नहीं करना समझा? पैसा लिया है ना चुपता कर देंगे। सिक्योरिटी भगवान पे सवार धक्का मार के निकालो सबको। अरे ये क्या बात है, पैसा नहीं देंगे हमको क्या लगता है? छोड़ेंगे नहीं हम लोग, पैसा पूरा वसूल करेंगे हम लोग। अरे कब क्या बात करा करेंगे तुमसे, पूरा का पूरा पैसा वसूलेंगे तुमसे। कविता शांत हो जाओ, ये लो पानी पियो, शांत हो जाओ। अब कविता एक बात बताओ, तुमने वाकई कोई लोन लिया है क्या? अब नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, अगर तुमने कोई लोन लिया तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने कोई लोन वोन नहीं लिया, लेती तो बताती ना, तो सिर्फ एक होम लोन चल रहा मेरे नाम पे। अरे लेकिन उसकी ईएमआई तो मैं रेगुलर भर ही रहा हूँ, फिर ये लोग। कविता हो सकता है ये किसी दूसरी कविता शुक्ला को ढूंढ रहे थे, इस शहर में कितनी कविताएं हैं। तुम टेंशन मत लो प्लीज, शांत हो जाओ कविता, शांत हो जाओ। पति पत्नी का रिश्ता जितना पवित्र होता है उतना ही नाजुक भी होता है, लेकिन इस रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नाजुक नींव होती है विश्वास। अगर कविता ने कोई लोन नहीं लिया था तो फिर लोन रिकवरी एजेंट्स के धमकी भरे फोन्स उसे क्यों आ रहे थे? क्या कविता कोई सच छुपा रही थी? कोई भयानक खेल चल रहा था इन दोनों पति पत्नी के बीच में। साढ़े दस बज रहे हैं, आज बहुत देर लगा दी आने में। ऑफिस में वर्कलोड इतना बढ़ गया है, अच्छा ही है ना, अब जितना ज्यादा काम कराएंगे उतना ज्यादा बोनस मिलेगा। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए खरीदी है। कैसी है? महंगी लगी। ऐसे नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही खर्चा करने लगे हो? मैडम जी, अरे वो मर्द है क्या जो अपनी बीवी और बच्चों पर पैसे खर्च ना करे? एक ग्लास पानी मिलेगा मैडम? हाँ लाती। Thank you.
तुम यहाँ? मैंने दूर से देखा तो मुझे लगा कोई और है। अगर तुम्हें ऑफिस आना था तो मुझे बोल देती, मैं ले आता। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, एक बहुत पुरानी दोस्त का फोन आया था, उसने ना मुझे यहीं कहीं का एड्रेस दिया, और देखो ना कोइंसिडेंटली वो तुम्हारे ऑफिस के पास ही निकला। अच्छा लाओ एड्रेस दिखाओ, मैं हेल्प करता हूँ। अरे नहीं मैं मैनेज कर लूंगी, तुम्हें लेट हो रखो ना ऑफिस के लिए, तुम जाओ। हाँ तुम जाओ, लेकिन आराम से जाना है। हाँ चलो बाय बाय बाय। कविता को लग रहा था कि सत्यम के व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव आना शुरू हो गया है। क्या सच में सत्यम कविता को धोखा दे रहा था या कविता उस पर शक कर रही है? धोखा या शक, सच चाहे जो भी हो, इस परिवार में कौन सा भयानक अपराध जन्म लेगा ये कोई नहीं कह सकता। बेटा आप परेशान क्यों हो रहे हो, मम्मा आ जाएगी जल्दी। देखो आपकी फेवरेट नूडल्स, जल्दी से फिनिश कर दो प्लीज। नहीं खाऊंगी, आप मम्मा को कॉल करो ना, पूरा दिन बीत गया मम्मा अभी तक नहीं आई। बेटा मैंने आपसे कहा ना, मम्मा का मैसेज आया था, वो आश्रम गई है, कुछ दिनों में आ जाएंगे वापस। चलो अब आप जल्दी से अपने नूडल्स फिनिश करो, पापा अपने लिए कॉफी लेकर आते हैं। चलो स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी फिनिश करो। सॉरी बेटा, मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे नहीं पता आपकी मम्मा कहाँ है। इसका मतलब मम्मा को कोई मैसेज नहीं आया था, मम्मा आश्रम नहीं गई है। अब बेटा ढूंढा तो है, हर जगह फोन कर लिया, सब जगह देख लिया, कुछ पता नहीं चला कहाँ है आपकी मम्मा। तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं नहीं बेटा, पुलिस से तो जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है, आपको पता है ना, ऐसे में बदनामी होती है सोसाइटी में। दो दिन से कविता गायब है, अपनी पत्नी के गायब होने पर भी उसका पति सत्यम ने एफआईआर दर्ज करवाने में इतना समय क्यों लगाया? क्या वो भी कोई सच छुपा रहा था? इस केस में दोनों पति पत्नी का बर्ताव बहुत ही अजीब है, इन दोनों के साथ कुछ तो घट रहा है वो भी अजीब है। जीवन एक लड़ाई है, अच्छाई और बुराई के बीच, सच और झूठ के बीच, इस केस में भी युद्ध चल रहा है सच और झूठ के बीच। कौन सच्चा कौन झूठा, क्या सच क्या झूठ? के लिए भी खाना ले।
अब बताया तू मुझे किधर गई है? सर चलो चल। नहीं रहने दिया ना मामा वामिका को ज्यादा प्यार करती है। बेटा तुम अकेले कहाँ घूम रही हो और मम्मी पापा कहाँ है तुम्हारे? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी ने कुछ कहा? मेरी मम्मा दो दिन से गायब हो गई है और पापा उनको ढूंढ भी नहीं रहे। वामिका बेटा, अरे कहाँ चले गए थे आप? मैं कितना परेशान हो गया था आपके लिए। आप इसके पिता हैं? जी मैम, मैं नहाने गया था, घर आकर देखा तो वामिका कहीं चली गई थी घर से। इसे यहाँ ढूंढ रहा था, आप तब तक ले आई। थैंक यू सो मच मैम। वामिका ने हमें बताया कि आपकी वाइफ दो दिन से मिसिंग है।
आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई? क्यों? उसने बैंक वालों से कुछ लोन लिया था, कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब थी मैम वो, रिकवरी वालों से थोड़ा परेशान होके शायद कहीं चली गई है, पर एक दो दिन में वापस आ जाएगी मैम, उसने ऐसा कभी नहीं किया है पहले। ठीक है, आज के दिन आप वेट कर लीजिए, अगर आज वो नहीं आती है तो पहले जाके आप अपने वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाइए। एक बात बताइए मुझे, आपके और आपके वाइफ के बीच में सब ठीक था ना? हाँ मैम सब ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही। मामी का बेटा, मैंने आपसे कहा था ना पहले भी, मम्मा आ जाएगी एक दो दिन में, आप पुलिस वालों के पास क्यों गए? हाँ आप कभी नहीं जाना ऐसे बाहर, ठीक है? चलो आओ। अरे दीदी, आज यहाँ कैसे? किसके घर पर आई थी? सत्यम शुक्ला, उसकी बेटी को घर पे छोड़ने आई थी। दो दिन से उसकी बीवी कविता गायब है और उसने पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं करवाई। क्या, कविता गायब है? हाँ, कैसा आदमी है ये सत्यम शुक्ला? दीदी सत्यम भैया तो देवता आदमी है, आज के जमाने में उन जैसा हस्बैंड मुश्किल से मिलता है, कोर्ट ना कविता में ही है। उसकी बुद्धि ना उल्टी चलती है। अरे सत्यम भैया कुछ अच्छा करते हैं तो वो उन्हें गलत समझती है, उन्हीं पर शक करती है। यार आजकल ना सत्यम के बिहेवियर में ना मुझे कुछ चेंजेस नजर आ रहा है। तेरा मतलब उसका अफेयर चल रहा है? ना ना। तो फिर अटेंशन नहीं दे रहा, एल्कोहलिक हो गया है क्या? नहीं ना। तो फिर घर में पैसे नहीं दे रहा, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है क्या? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो इन सब का उल्टा कर रहा है। पता है आजकल मेरे लिए गिफ्ट्स ला रहा है, खुल के घर खर्चा दे रहा है और हिसाब भी नहीं मांग रहा। यार कविता तू भी ना, हर पत्नी का सपना होता है कि उसका पति ऐसा करे, और तू है कि उसमें ही गलतियां देख रही है। अरे यार कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं तुझे, I'm telling you, कुछ गड़बड़ है, वरना वो ऐसा टिपिकल घर बीवी बच्चा वाला नहीं है। खोट ना कविता में ही है, उसकी बुद्धि ना उल्टी चलती है। अरे सत्यम भैया कुछ अच्छा करते हैं तो वो उन्हें ही गलत समझती है, उन्हीं पर शक करती है। अभी दो दिन पहले कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए बिल्डिंग में आ गए थे, शायद ना कुछ बैंक लोन का मामला था। आपको क्या लगता है मैडम, बैंक से लोन ले लिया और रफू चक्कर हो जाए, हम लोग देखते रह जाएंगे। कितने फोन किए ईएमआई के लिए, ईएमआई क्यों नहीं चुका रहे हो आप लोग? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कविता फैमिली को बिना बताए खुद से कहीं जा सकती है? हाँ जरूर जा सकती है। अरे या तो कुछ दिनों में सत्यम भैया उसे ढूंढ लेंगे, या फिर देखना वो खुद ही चल कर आ जाएगी।
कविता, कविता क्या हो गया कविता? सत्यम जी, हमारी छानबीन जारी है, हमें जैसे कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट कर देंगे। जी। सत्य भाई, किसी भी चीज की जरूरत हुई तो बेझिझक बोलिएगा, मैं चलती हूँ। थैंक यू भाभी जी। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऋषि विश्वामित्र ने उनसे 500 स्वर्ण मुद्राएं अलग से मांग ली। तो उन्होंने उसे कैसे चुकाया? उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे और यहाँ तक कि अपने आप को बेचकर इस सारे पैसे चुकता किए। राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल आपकी तरह अपने प्रॉमिस के पक्के थे पापा। अब पापा के एब्सेंस में आंटी से उनकी शिकायत लगा रहे हो? चल कविता, मैं चलती हूँ। मामिका, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं ना बस पापा को लेकर थोड़ा चिंता में हूँ। पापा, ये मैसेजेस आप भेज रहे हैं? I'm sorry बेटा, मैंने आपसे झूठ बोला। आपकी वाइफ 2 दिन से मिसिंग है, आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई, क्यों? आप पुलिस वालों के पास क्यों गए? हाँ? मामिका, उठ बेटा। मामा। हाँ गुप्ता जी, बोलिए ना। जी जी, आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल रास्ते में ही अभी, 10 मिनट का टाइम दीजिए, बस आ ही रहा हूँ, रास्ते में। जी जी जी, हाँ तो आज आज फाइनल कर लेते हैं उसको। Thank you.
अरे अन्ना क्या बात है, पूरा माहौल बना दिया तुम लोग। लग रहो आता हूं मैं। ए विशाल क्या हाल है मेरे भाई? हाँ भाई कैसे? अच्छा सुन, मेरे पास भी 10,000 है, लगी तो 10 की आज। नहीं नहीं भाई, अरे हम लोगों की इतनी औकात कहाँ। अरे खेलना यार, औकात छोड़, इधर आ मैं खेलूंगा। मर्डर नहीं किया है, सीने मर्डर किया है। ले जाओ और ऐसी जगह ठिकाने लगाना ताकि पुलिस को लाश आसानी से मिल जाए और हमें इंश्योरेंस के पैसे जल्दी मिले। हाँ मैंने किडनैप किया था, लेकिन आइडिया इसी का था किडनैपिंग करने का। रविंद्र भाई सिर्फ जुआई खेलते रहोगे, कुछ और भी करोगे? करना क्या है? लोन रिकवरी एजेंट बनके वाइफ के सामने हंगामा खड़ा करना है। अगर उन्होंने लोन लिया है तो रिकवरी वाले खुद ही तंग करेंगे उनको। कविता को तो पता ही नहीं है कि मैंने उसके नाम पे लोन लिया है। पिछले 2 साल से कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उसके नाम पर लोन लेकर के ऐश कर रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ। सत्यम बाबू, अगर हमने रिकवरी एजेंट बनकर उनको परेशान किया तो उनको पता नहीं चल जाएगा कि तुमने लोन लिया? कविता को तो सिर्फ शक होगा, लेकिन आसपास वालों को पता चल जाएगा कि लोन का कुछ पंगा है। फिर तुम लोग उसे किडनैप कर लेना, मिलकर मर्डर कर देंगे, सबको लगेगा कि लोन का पंगा था, ये भाग गई होगी। जेठ भाई मटर का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। मटर का तुम मुझ पर छोड़ दो। समाज में आदर्श पति की इमेज बना रखी है और अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, क्यों? तो क्या करता मैम, कर्जे इतने बढ़ते जा रहे थे और पिछले 1 साल से मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी। ऐसे में मुझे लोन का आइडिया सबसे अच्छा लगा, तब मैंने अपनी बीवी के नाम पे लोन लिया। लेकिन एक के ऊपर एक लोन लेने की वजह से मैं कर्जे में डूबता चला गया। तब मुझे कविता के इंश्योरेंस का आइडिया आया और मैंने उसको मारने का प्लान बनाया। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, मुझे माफ कर दीजिए। और इस सब में तुमने कभी सोचा कि वामिका का क्या होगा? वो तो हमेशा से तुम्हें एक आदर्श पिता समझती थी। ले जाओ सबको। Thank you.
ने फरेब को जन्म दिया और फरेब ने लालच को और मासूम सी वामिका से उसका सब कुछ छीन गया। अगर सत्यम ने धोखा देने के बजाय कविता को सारा सच बता दिया होता तो आज पति पत्नी मिलकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का कोई ना कोई सही रास्ता जरूर ढूंढ निकालते। आपके जीवन में हजारों परेशानियां आएंगी, पति पत्नी को चाहिए कि अपने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखे, एक साथ मिलकर एक टीम की तरह इन मुसीबतों का सामना करें। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।